आपने खुद तो ऐसा नहीं किया कि शादी उससे खुद कर ली जाकर, धर्म परिवर्तन करने के लिए आप खुद एग्री हो गई? नहीं मैम, मतलब पहले इसने मेरे को फंसाया, जैसे मुसलमान लड़के फंसाते हिंदुओं को, अब मेरे को ये चीज़ समझ में आई है हिंदू लड़कियों को। पहले तो समझ में नहीं आई थी, उम्र भी मेरी कम थी, पर जैसे ही मेरे को पता चला ना कि ये मुसलमान है, इसका नाम अमित नहीं है, तो मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा प्यार व्यार जाए भाड़ में, मैं नहीं करूँगी तेरे से शादी। तब फिर इन लोगों ने रूप दिखाया अपना, मेरे को कमरे में बंद कर दिया, मारा पीटा करा, टॉर्चर करा खूब, नहीं करेगी तो तेरे को मार देंगे। माँ बेटे दोनों मिल के मार रहे हैं, पूरा ये हिस्सा मेरे को सुझा दिया मार मार के, तेरे को कोई ढूंढेगा नहीं। तो मैम इस चक्कर में मेरे को करनी पड़ी शादी, नहीं तो मैं नहीं करती। आज भी थाने वाने में मैं जाती हूँ तो थाने में पुलिस वाले भी कहते हैं तुम्हें पहले नहीं दिखाता मुसलमान था ये, मतलब बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, कोई सुनवाई नहीं करते हैं। जो मेरी सास है वो मतलब प्रोस्टिट्यूट है, वो कहती है कि तू दुनिया के किसी भी कोने में चली जा, मैं इस काम में इस लाइन में ऐसी ही नहीं हूँ, मेरे बहुत बड़े बड़े कॉन्टैक्ट है, तू कुछ नहीं कर पाएगी, गंदी गंदी गालियाँ बक के। फिर मैम करनी पड़ी मेरे को मजबूरी में शादी इससे, निकाह नामे पे इसने मेरे से साइन करवाए, धर्म परिवर्तन जबरन करवाया मेरा। ऐसे कह रहा है कि मैंने दूसरी शादी कर रखी है, आज से 6 महीने 7 महीने पहले दूसरी शादी करके उसके पेट में मेरा 6 महीने का बच्चा है। कह रहा है मेरे इस्लाम में 4-4 शादियाँ अलाउड है, तू कुछ नहीं कर सकती है। तो इस्लाम का सहारा लेके ये अपनी अयाशी पूरा करते हैं। क्या आपने किसी अपने को एक्सीडेंट में खोया है? अगर हाँ तो आप भी छिपे हुए बीमा क्लेम के द्वारा परिवार की मदद कर सकते हैं। भारत क्लेम्स ऐप को डाउनलोड करें और आज ही करें क्लेम अपनी हिडन इंश्योरेंस। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। एक मामला इस वक्त हमारे सामने आया है जो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये दिलशाद गार्डन का मामला है। आपको बता दें कि एक महिला जिसका धर्म परिवर्तन कराया गया, जो कि हिंदू है और उसका धर्म इस्लाम में परिवर्तन करवा दिया गया, या फिर कहें जबरदस्ती ये सब किया गया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए, शादी का झांसा देकर ये सारी हरकतें चलती रही और आखिरकार वो लड़का उस महिला को छोड़कर फरार हो गया। वो महिला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ उनका कहना है एक बार उनसे जुड़ेंगे और आपको दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू है। अच्छा, अभी जो आप जितनी भी बातें बताने वाली हैं पहले कैमरे पे बता दीजिए, आप अपने होशो हवास में बताने वाली, क्योंकि बाद में कई बार होता है कि वीडियो बंद तो जाती है लेकिन बाद में डिलीट करवाने की नौबत आ जाती है। नहीं, मैं अपने पूरे होशो हवास में बता रही हूँ, मेरे पे किसी चीज़ का कोई दबाव नहीं है। मैं अपनी कहानी पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है आगे चल के और लड़कियों के साथ ना हो। क्या हुआ है आपके साथ बताइए? मैम आज से 7 साल पहले मेरी अमित से शादी हुई थी, जिसने मतलब जिसका नाम फरमान अली है। उसने मुझे अपना नाम पहले अमित बताया था, और जब मुझे पता चला कि इसका नाम फरमान अली है तो पहले तो मैं इसे शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उस समय मेरी उम्र कम थी। मैंने बोला था इनको कि मेरी उम्र कम है, अभी मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, नाबालिग हूँ मैं, अभी मुझे पढ़ने लिखने दो, क्योंकि मैंने बचपन से बहुत दुख देखे, मैं अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ। तो मेरे को टॉर्चर करने लग गया कि मैं फांसी लगा लूँगा, मर जाऊँगा, तुम्हें फंसा दूँगा झूठे केस में। अपने मम्मी पापा से फ़ोन करवाता था कि शादी कर ले, शादी कर ले, मेरे को धमकी दे रहा था कि फांसी लगा लेगा तू फंसेगी, जेल जाएगी। तो फिर जब मैं इससे शादी करने के लिए राजी हुई तो फिर तब मुझे पता चला इन वक्त पे कि इसका नाम अमित नहीं है, फरमान अली है। अच्छा, हाँ जी। तो तब पता चला मुझे कि ये मुसलमान है, तो मैंने इस बात का विरोध करा, मैंने कहा मैं तो नहीं करूँगी तेरे से शादी। फिर इसके मम्मी पापा ने मेरे को खूब टॉर्चर करा, कमरे में बंद कर दिया, कह रहे तेरे आगे पीछे कोई है नहीं, तुझे मार काट के फेंक देंगे, कोई तेरी लाश भी ढूंढने नहीं आएगा, करनी है तो कर शादी, धर्म परिवर्तन कर, मुसलमान बन, नहीं तो तू गई आज, तेरे को कोई ढूंढने भी नहीं आएगा, मार के तेरे को गाड़ देंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी। फिर मैम करनी पड़ी मेरे को मजबूरी में शादी इससे, निकाह नामे पे इसने मेरे से साइन करवाए, धर्म परिवर्तन जबरन करवाया मेरा। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा क्या केस करूँ, मेरी शादी तो हो ही गई है। शादी हो गई, अगले दिन से इनका रूप दिखने लग गया मेरे को, इन्होंने खूब मारा पीटा करा, टॉर्चर करा, मेरी सास भी मेरे को मारती पीटती थी, खूब अत्याचार करती थी, मतलब बर्दाश्त से ना बाहर हो गया था। मैं फिर भी सोचती थी कभी तो ये बदलेंगे, कभी तो ये बदलेंगे, पर मैम वो दिन कभी आया ही नहीं। फिर ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत गए, फिर इसकी माँ ने बीच में बहुत ज़्यादा मेरे को मारा, ये हिस्सा होता है ना यहाँ का, ये पूरा हिस्सा, ये यहाँ का पूरा, बस एक छोटी सी सिम का कुछ था कि सिम थी पहले उस समय पे, बड़ी सिम चलती थी उसमें छोटी सिम इसको लगाना था अपने फ़ोन में। मैंने कहा ये तुम्हारे फ़ोन में फिट नहीं होएगा, तो ऐसे कहता है जवान लड़ाती है पति से, जवान लड़ाती है, धड़ 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 मारने लग गया।
फिर मैंने गुस्से में बोला, मैंने कहा जो औरत पे हाथ उठाता है वो हिजड़ा होता है। तो फिर इसकी माँ मेरे को गंदी गंदी गालियाँ बक रही है कि क्या बोलते हैं हिजड़ा है, किससे लेती है, किससे क्या करती है। माँ बेटे दोनों मिल के मार रहे हैं, पूरा ये हिस्सा मेरे को सुझा दिया मार मार के, पूरा नील पड़ गया। और अगले दिन हॉस्पिटल भी नहीं लेके गए कि मतलब पुलिस केस वगैरह ना हो जाए। और मतलब शादी के बाद ही मुझे पता चला कि इसकी माँ प्रोस्टिट्यूट है। तो यानी कि जब जब मारते थे तब कभी आपने कंप्लेंट नहीं करी, किसी को कुछ नहीं बताया? कंप्लेंट नहीं करी, मैं बताती भी नहीं थी किसी को कुछ। मैंने कहा अपने घर की बदनामी होएगी, इस चक्कर में मैंने बताया नहीं। फिर मैम अभी थोड़े दिन पहले, ये एक दो साल पहले इसका अफेयर चल रहा था, ये काम कर रहा था फैक्ट्री में, मुझे कानो कान खबर नहीं। इसने इतना मेरे को मारा पीटा, ऐसे सर पकड़ के दीवार में दे के मारता था। अच्छा। तो मेरे यहाँ पे पेन रहता है, तो यही मेरे को हॉस्पिटल में दिखा के लेके आया मेंटल में। मैंने कहा लेके नहीं जा रहा था पहले, मैंने कहा मेरे को ज़्यादा हो रहा है कि मेरे को दिखाओ मेरे सर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वहाँ पे पेन किलर्स वगैरह दी खाने के लिए मेरे को इन्होंने। तो फिर मैम पेन किलर खाई, पर इस मेरे को नहीं पता ये पेन किलर के बहाने बाहर से भी दवाई ला ला के मेरे को खिला रहा है। इसने ड्रग्स वगैरह खिलाए मेरे को, पागल करने की पूरी ठान रखी थी, क्योंकि ये पहले से ही चाह रहा था कि दूसरी करेगा ये, मतलब धोखा देगा कि कल को ये पता चले दुनिया को कि इसने मेरे पीठ पीछे ऐसे गुल खिला रखे हैं, तो ये दुनिया वालों को ये दिखा सके कि ये पागल थी, इस वजह से मैंने ये करा है। अच्छा, अभी आपने बोला कि नशीले पदार्थ आपको खिलाते थे, तो आपको पता कैसे चला कि नशीली दवाइयां हैं जो आप खा रही थी बार बार? मैम जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे जो मेरे पड़ोसी वगैरह सब थे, वो सब यही बोलते थे कि तू इतने नशे में रहती थी कि जैसे तू कोई नशा करती है। और जब से मैंने वो दवाइयाँ खाना बंद कर दिया तब पता चला कि नशे की दवाइयाँ खिला रहा। ये बताइए, अभी आपने बोला कि धर्म परिवर्तन आपसे ज़बरदस्ती कराया गया, जब आपको पता चला कि ये लड़का अमित नहीं है, फरमान अली नाम है इसका, उस दौरान आपने इसको छोड़ा क्यों नहीं, जब आपको नहीं करनी थी शादी? मैम इन्होंने बंद कर दिया था ना कमरे में मेरे को, मार पीट कर रहे थे मेरे साथ, टॉर्चर कर रहे थे खूब, तो मेरे को ज़बरदस्ती करनी पड़ी। मैं क्या करूँ मैम, जब मेरे सपोर्ट में कोई खड़ा ही नहीं, किसी को पता होगा तभी तो कोई सपोर्ट में खड़ा होगा ना। अच्छा, आपके मम्मी पापा या आपके घर वाले कहाँ हैं? मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दो भाई हैं, वो नानी के पास रहते हैं बचपन से ही। मम्मी की डेथ हो गई, पापा का था पता नहीं है कुछ, 10-12 साल बाद अभी थोड़े दिन पहले मिलने आए थे ये, एक दो साल पहले। मतलब उनका कोई रोल नहीं है मेरी ज़िंदगी में, बाप के होते हुए भी मैंने अनाथों की तरह ही ज़िंदगी काटी है अनाथ आश्रम में। तो मतलब और कोई, आपके दो भाई हैं फिर? वो मैम वो खुद नानी के घर में रहते हैं, उनको मैं क्या बोलूँ, मैं उनको बोलो वो यही बोलते हैं मुसलमान से शादी करी है भुगत तो। अच्छा, तो अभी आपने कंप्लेंट करी है थाने में? हाँ जी, थाने में मैंने कंप्लेंट करी है। मैं 8 महीने प्रेग्नेंट हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, अभी ऐसी मेरी कंडीशन हो गई है, अभी मेरी ऐसी हालत हो रखी है। मैं ऐसी नहीं थी, मैं बहुत मोटी तगड़ी थी, ये इस ऐसा मेरे को करके चला गया है। ये मेरे घर का 3-4 महीने का रेंट है वो नहीं दे के गया है, ना खाने के पैसे दे के गया है मेरे को ये, और मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है। 2 अगस्त या 3 अगस्त को जब मैंने थाने में कंप्लेंट दी थी, उसी दिन मेरी मकान मालकिनी ने मेरे को खूब टॉर्चर करा था, तीनों चारों उसकी लड़कियां मारने के लिए चढ़ रही थी। मैंने कहा कुछ तो इंसानियत दिखा लो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मतलब मैं बता नहीं सकती कैमरे पे इस तरीके से। अच्छा, आपके हस्बैंड ने आपको बताया कि वो दूसरी शादी कर चुके हैं, जैसे अभी आप बता रही हैं कि किसी और लड़की के साथ रहते हैं? मैम ये सब मामला मैंने तो अभी आपको पहले की बताई, ये मतलब ये आप जो अब का मामला है वो मैं बताती हूँ। आज से 7-8 महीने पहले 7 जनवरी को, 6 जनवरी को ये घर पे नहीं आया था, कह रहा था मालिक ने काम ज़्यादा दे रखा है मेरे को, मैं आऊँगा नहीं। मैंने कहा मैं रात भर में अकेले नहीं रह सकती, मेरे को डर लगता है, मैं मालिक से बात कर लेती। मालिक से बात भी करी तो मालिक कह रहा है झूठ बोल रहा है, हमने कुछ नहीं बोला उसको काम करने के लिए। तो मालिक की कॉन्फ्रेंस में बात कराई, इसने गंदे गंदे गाली बक के फ़ोन काट दिया और स्विच ऑफ कर लिया। रात भर में अकेली रही, फिर सुबह भी इसने फ़ोन ऑन नहीं करा, 11 बजे इसने फ़ोन करा मेरे को, तो मैंने गुस्से में नहीं उठाया, मैंने कहा रात भर ये अकेले छोड़ के गया, इसको शर्म नहीं है, बीवी घर पे अकेले है। फिर जब 7 जनवरी को ये घर पे आया, ये सबसे पहले आया मेरे ऐसे सर पकड़ के दीवार में ऐसे दे के मार रहा है, पहले मार रहा है दे के। मैंने पूछा कि क्यों ऐसा करा तूने, रात में क्यों नहीं आ रहा, फ़ोन क्यों स्विच ऑफ कर लिया, क्या बात थी, जब तुझे काम ही नहीं करना था फैक्ट्री में, कहाँ था सारी रात? ऐसे करके मारा मेरे को दीवार में दे के। फिर कहता चाहती क्या है तू? मैंने कहा मैं क्या चाहूँगी? कह रहा अब सुन, जो मैं तेरे को बोलने जा रहा हूँ ध्यान से सुनियो। मैंने कहा हाँ बोल। ऐसे कह रहा है कि मैंने दूसरी शादी कर रखी है, आज से 6-7 महीने पहले दूसरी शादी करके, उसके पेट में मेरा 6 महीने का बच्चा है। अच्छा। हाँ, तो मेरे को इसने अपने मुंह से ही खुद बताया, तो मैं चौंक गई एकदम से, पैरों तले ज़मीन खिसक गई, मुझे लगा शायद ऐसे ही बोल रहा होगा ये। मैंने कहा फ़ोटो दिखा उसकी, अगर तूने कर भी रखी है शादी तो। फ़ोटो दिखाई तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई एकदम से,
मैं बता नहीं सकती मैं अपनी सिचुएशन मेरी क्या हो गई थी कि इसने मतलब मेरे साथ में रह के मेरे साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी करी इसने। मैं अभी तक बर्दाश्त इसको इसलिए कर रही थी कि सुधर जाएगा, सुधरने से तो रहा कि और इसने ऐसे गुल खिलाए मेरे पीछे। कह रहा है मेरे इस्लाम में चार चार शादियाँ अलाउड है, तू कुछ नहीं कर सकती है, चार चार शादियाँ अलाउड है। मैंने बेसहारा को सहारा दिया है, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि इस्लाम का मतलब इस्लाम का सहारा लेके कि चार चार दस दस शादियाँ जो अलाउड है तुम्हारे में, तो तुमने बेसहारा एक बच्चे की माँ को सहारा दिया जो तुम्हारी फैक्ट्री में काम करती थी, तो उसको लेके भाग गया और मेरे को ये 8 महीने प्रेग्नेंट करके तीन तीन चार चार महीने का किराया ना देके, खाने के पैसे ना देके, तो ये कौन सा इस्लाम में लिखा हुआ है कि बेसहारा को सहारा दिया और दस दस शादियाँ अलाउड है। मैंने तो ऑब्जेक्शन उठाया, मैंने कहा तू हिंदू होता तो कर लेता। कह रहा नहीं। मैंने कहा तूने मुसलमान होने का फ़ायदा उठाया। कह रहा हाँ। तो मैंने कहा जैसे मोदी जी ने 3 तलाक बंद करवाए थे, तो ये चार चार पांच पांच शादियाँ भी अलाउड नहीं होनी चाहिए। जैसे हिंदुओं में एक शादी अलाउड है वैसा होना चाहिए, क्योंकि इस जैसे जो लोग होते हैं तो इस्लाम का सहारा लेके ये अपनी अयाशी पूरा करते हैं और बोलते कि हमारे इस्लाम में ये है वो है ऐसे करके। तो मैम पूरी हद पार हो गई एकदम से। फिर मैंने कंप्लेंट करी, जब इसने मेरे को बताया कि 100 नंबर पे मैंने फ़ोन करा, तो 100 नंबर वालों ने भी पूरी रात भर थाने में बिठा के रखा, रात भर बारिश हुई, कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर अगले दिन गई, अगले दिन भी FIR नहीं लिखी। FIR वाले रूम में मैं गई तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, मेरा ससुर बैठा हुआ था अंदर, महिला के जहाँ पे महिला वाले लोग बैठते हैं वहाँ पे ससुर बैठा हुआ था। तो मैंने उनको बोला कि मैं इनके सामने कम्फर्टेबल नहीं हूँ बात करने के लिए, FIR नहीं लिख रहा, मैं लिख के लेके आई। अच्छा। मैं लिख के लेके कि रिसीविंग दे दो बस मुझे इसकी। तो उन्होंने रिसीविंग भी नहीं दी और अब शब्द बोल के मेरे को भगा दिया वहाँ से। तो फिर मैंने पोस्ट ऑफिस से पोस्ट करी, तो वो मैंने फ़ोटो की मतलब फ़ोटो खींच ली थी कंप्लेंट की, तो इसने मेरे फ़ोन में देख ली क्योंकि गूगल ID हम एक ही चलाते हैं दोनों। तो ये डर गया कि इसने कंप्लेंट कर दी है, इसने बहुत तगड़ी वाली कंप्लेंट करी, हम तो फंसेंगे, हमारा तो ये होएगा। फिर इसने मेरे से कॉम्प्रोमाइज़ करने का सोचा कि कॉम्प्रोमाइज़ कर, 3 महीने का टाइम दिया कि क्या बोलते 3 महीने के बाद उस औरत को छोड़ देगा, बच्चा हो जाने दे। मैंने इंसानियत के नाते ये भी कबूल कर लिया, मतलब आपने ये भी मान लिया कि अगर उसका बच्चा हो भी जाता है उसके बाद भी मैं तुम्हारे साथ रहूं। हाँ, मैंने उसको सेकंड चांस देने का सोचा मैंने। अच्छा, एक सवाल ये बताइए कि आप इतनी परेशान थी, आपने शुरू से कभी कोई कंप्लेन नहीं करी, लेकिन क्या कभी पहले शादी से पहले जब आप इनसे मिली थी तब कभी लगा कि ऐसे मारपीट करेगा या ऐसे ऐसा इसका नेचर है? नहीं मैम, तब तो बहुत अच्छा बन के दिखाता था एकदम, जैसे इससे अच्छा है ही नहीं कोई दुनिया में। तो इस तरीके से दिखाता था कि ये सबसे दुनिया का अच्छा आदमी है। और मैम बहुत ज़्यादा मैं सीधी भी थी, इस वजह से इसने मेरा शायद फ़ायदा उठाया है। हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है? मैम कोई पक्का प्रूफ नहीं है। मैंने उसको बोला कि अपने निकाह के कागज वागज दिखा। कह रहे मकान मालिक के पास है, इसके पास है, उसका भी कोई प्रूफ नहीं है कि उसकी शादी हुई भी है नहीं हुई, क्योंकि मैम मेरे से बिना पूछे शादी करी है तो ये शादी लीगल थोड़ी मानी जाएगी, जब पहली बीवी को डिवोर्स नहीं दिया है। कह रहा है हमारे इस्लाम में 4 शादियाँ अलाउड है, 10 शादियाँ अलाउड है। अब घर में एक बीवी होते हुए तुम पीछे से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह अफेयर चला रहे हो और मुझे कानो कान खबर नहीं, वो भी एक बच्चे की माँ के साथ। इसने चलाया उस औरत को भी शर्म नहीं है, मतलब उसको भी पता है वो शादीशुदा आदमी, उसने डिवोर्स नहीं दिया उसको आज तक। वो हिंदू है या वो भी मुस्लिम है? मैम उसको हिंदू बताता है ये कि पूनम नाम है, पर उससे शादी करके उसका भी धर्म परिवर्तन करवाया, अब उसका नाम सोनम बताता है ये। एक पहला पति जो पति है, पता नहीं किससे औलाद वो पैदा, जो 4-5 साल की लड़की है, उसका पहले मिष्टी नाम बताता था, अब अफसा नाम है, मतलब उसको भी इसने अपना नाम दिया है। आज तक इसने मेरे आधार कार्ड नहीं चेंज करवाया, पति का नाम नहीं डलवाया, पर उस औरत के आधार कार्ड में अपना पति का नाम भी डलवा रखा है। उसकी जो इसकी खुद की बच्ची नहीं है, जो किसी और आदमी से पैदा है, उसके डॉक्यूमेंट्स में भी इसने अपना बाप का नाम चढ़वा रखा है। ये सब चीज़ें आपको कैसे पता चली, कहाँ से देखा आपने? मैम इसने खुद बताया मेरे को ये सारी चीज़ें। इसकी इतनी हिम्मत है, ये खुद डरता नहीं है किसी चीज़ से भी, क्योंकि इसकी माँ सपोर्ट करती है ना। तो क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? मैम अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभी भी मैं इस हालत में गई हूँ। ITO में भी गई थी मैं कंप्लेंट मतलब देने के लिए, रिसीविंग मिली वहाँ से, थाने में भी गई वहाँ से रिसीविंग मिली, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैं कोर्ट में भी गई थी, वो मतलब वकील ने ही बोला था कि ऐसे ऐसे करके यहाँ पर जमा कराना, फिर बीच में हॉलीडे पड़ गई, मैंने कहा मैम कर दो, मैं इस हालत में मैं बार बार नहीं आ सकती। तो महिला आयोग नहीं गई आप? गई थी मैम, ITO गई थी मैं, तो वहाँ पे मैम रिसीविंग मिली है। मैं कल भी मैंने बात करी वहाँ पे, तो कह रहे ये नंबर ले लो, वो नंबर, इस पे फ़ोन कर लो, उस पे फ़ोन कर लो, बस बोलते हैं ये लिख के दे तो हमारी नौकरी पे खतरा आ जाएगा। आपने कंप्लेंट दिखाई जिसमें आपके हस्बैंड ने लिखा हुआ है साफ तौर पर कि मैं पहली जो दूसरी बीवी है उनकी, जिसका नाम सोनम आप बता रही हैं,
उसके साथ नहीं रहूंगा और आपके साथ रहूंगा, हाँ, और जो खर्चा पानी होगा वो उसको देता रहूंगा, ऐसे तमाम चीजें उस एप्लीकेशन, हाँ, में लिखी है। हाँ, इसने 21 जुलाई को, जब ये 22 जुलाई को भागा, 21 जुलाई को इसने थाने में लिख के दिया कि जो इसने दूसरी औरत कर रखी है उसको खर्चा पानी दूंगा और उसके साथ नहीं रहूंगा, अपनी पहली बीवी मतलब मेरे साथ रहेगा ये, अगर वो कोई झूठे कंप्लेंट करती है या ये करती है तब मैं अपनी पहली बीवी को नहीं देख पाऊंगा। तो मैम अगले दिन से ये फरार है, ये मतलब खुद लिख के दिया है, इसने सब कुछ लिख के दिया है, रिसीविंग भी मिली, उसने खुद मेंशन करा है कि मैंने अपनी पहली बीवी से छुप के शादी करी है, ऐसा ऐसा करा है, और 22 तारीख को फिर ये भाग गया है। इसको मतलब कानून का भी कोई डर नहीं है, इसकी माँ ऐसे बोलती है मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं तो खिला दूंगी सबको, खरीद लूंगी मैं। तो मैम तभी मैंने मतलब न्यूज़ में आने की सोची, मैंने कहा किस किस को खरीदेगी ये, मेरे पास तो पैसा नहीं है, कि पुलिस वाले पैसे खा लेते हैं फिर इनके सुन लेते हैं, अंदर अंदर मामला दबके रह जाता है। अब मैं इस हालत में मैं कहाँ कहाँ तक भागूँ मैं। इसको इतनी शर्म नहीं आई कि मेरे को 8 महीने प्रेग्नेंट करके ये उस औरत के साथ भाग गया, और कहता हमारे इस्लाम में बेसहाराओं को सहारा देते हैं, ये कहाँ का सहारा दिया है इसने, उसको सहारा देने के चक्कर में मेरे को बेसहारा करके भाग गया, ना मेरे घर का रेंट दे के गया, ना मेरे को खर्चा पानी दे रहा है, मैं कैसे कैसे गुजारा कर रही हूँ अपने दोस्तों यार से मांग मांग के। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, आपके हस्बैंड को अगर अभी कॉल किया जाए तो लगेगा? नहीं मैम, 1 महीने से बंद कर रखा है, उस औरत का भी बंद है फ़ोन और मेरे हस्बैंड का भी, कुछ पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है। नहीं मेरी सास को पता है, वो धमकियाँ दे रही है खुलेआम कि मैं बोलूँगी तो वो आएगा उस औरत को भी छोड़ेगा, पर मैं इसके साथ नहीं रहने दूंगी उसे। देखिए घरेलू हिंसा के लिए 2005 में एक एक्ट भी बनाया गया था जिसको 2006 में लागू कर दिया गया था, लेकिन उस एक्ट के तहत 6 महीने की अवधि दी जाती है कि जब भी किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है तो शायद 6 महीने के अंदर उसको न्याय जरूर मिल जाएगा। लेकिन अभी देश की राजधानी से महिलाओं पर अत्याचार के इतने मामले आ रहे हैं कि ये कहना गलत नहीं होगा कि न्याय के लिए कानून जरूर बनाया गया है लेकिन उससे न्याय मिलता नहीं है, क्योंकि इतने सारे मामले हम आपको दिखा चुके हैं जहां पर पति द्वारा पत्नी को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि आखिरकार पत्नी को वो घर छोड़ना ही पड़ता है, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है, वो कोर्ट के धक्के खाती रहती है, पुलिस वालों के थाने के चक्कर लगाती रहती हैं, और दूसरी पार्टी से अक्सर देखा जाता है कि पुलिस रिश्वत ले लेती है और कोई कार्रवाई नहीं करती है। कब तक देश की राजधानी में ये सब चलता रहेगा? स्वाति मालीवाल से भी मेरी यही अपील है कि ये जो महिला हमारे साथ बैठी है इस वक्त, जिन्होंने अपनी पूरी बात बताई कि इन्होंने दूसरे धर्म के लड़के से शादी करी, या फिर कहे जबरदस्ती शादी करवाई गई, धर्म परिवर्तन करवाया गया, और वो सब किया गया जो कि एक महिला के साथ नहीं करना चाहिए, उसके बावजूद भी अब जब ये कंप्लेंट करने जा रही हैं तो पुलिस की तरफ से ना तो कार्रवाई की जा रही है, स्वाति मालीवाल की तरफ से कोई भी जो जांच पड़ताल होनी चाहिए इस पूरे मामले में अभी तक नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि अगर इस्लाम में लिखा है कि एक लड़का यानी कि एक पुरुष अगर 4 शादियां कर सकता है तो उसको 4 शादी करने की तभी इजाजत है जब उसकी पहली पत्नी दूसरी शादी करने के लिए इजाजत देती है, तभी वो वैलिड माना जाएगा यानी कि तभी वो वैध माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर पहली पत्नी इस बात से नाकारती नजर आ रही हैं, ये तो ये भी कह रही हैं इनको पता ही नहीं था, बाद में जब उन्होंने शादी कर ली तब जाकर इनको बताया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे पुरुष के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो देश की राजधानी में रहकर लगातार महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, चाहे वो देश की राजधानी की बात हो या पूरे देश भर की बात हो। किसी भी पुरुष को अधिकार नहीं है कि वो अपनी पत्नी पर हाथ उठाए, उसको मारे, उसको पीटे या फिर उसके साथ किसी भी तरीके से अत्याचार करे। तो हम चाहते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनको इंसाफ मिल सके। महिला आयोग की से भी मेरी यही अपील है कि इस वीडियो को ज़रूर देखें, और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ट्विटर पर ज़रूर शेयर करें ताकि इस महिला को इंसाफ मिल सके, और जो भी लोग लगातार धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। तो जो भी राय है अब आपकी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन खुशी लाल के साथ मैं दिव्या झलको, दिल्ली।